नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आज एक ऑर्डर पर चर्चा करेंगे। रोहित जंडियाल जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार जो हेल्थ को कवर करते हैं दैनिक जागरण की तरफ से। इन्हीं से हम इस ऑर्डर को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर आबिद साहब, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, एक फरमान जारी किया कि अब जो टाइमिंग है डॉक्टर्स की, मेडिकल कॉलेज की, वो 9 से 5:30 करती है। कितना फ़ायदा है मरीजों का और क्या आने वाले दिनों में और भी ऑर्डर आ सकते हैं, क्योंकि ये टाइमिंग एम्स के साथ मिलती जुलती है। सर क्या कहेंगे आप? आज बड़े दिनों बाद कोई एक ऐसा ऑर्डर आया जिस पर एक चर्चा करने की जरूरत। वैसे भी हम हेल्थ के ऊपर बहुत देर बाद चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ मिस किया है, क्योंकि जो समय पॉलिटिकल वो चल रहा है सारा। अभी आप देखो कि जब से भूपेंद्र जी जब से ट्रांसफर हुए हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसके बाद कई ऑर्डर निकाले हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में कंट्रोल रूम बनाने वाला ऑर्डर था, अभी 2-3 दिन पहले निकाला था। तो आज जो ऑर्डर है, अभी आप देखो कि कहीं ना जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे आपने कहा कि एम्स के उस पर जा रहा है तर्ज पर, लेकिन ऐसे इस ऑर्डर के दो पहलू हैं। ठीक है, दोनों इसे हम दोनों तरफ से हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं करना भी चाहिए। एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप देखो कि जो जम्मू कश्मीर में जो पैटर्न था, टाइमिंग थी हॉस्पिटल की, वो ये थी कि पहले होता था कि सर्दियों में 10 से लेकर 4:30 तक हॉस्पिटल लगते थे और गर्मियों में 8 से 2। फिर एक बीच में एक ऑर्डर आया कि 9 से 3 बजे तक भी इसकी टाइमिंग हुई। लेकिन जो आज ऑर्डर आया है वो ये कि अभी हॉस्पिटल की जो टाइमिंग है वो 9 से, मतलब मेडिकल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज, इनकी जो बाकी हॉस्पिटल कह दिए हैं ये मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज, उसकी ये जो है कि 9 से लेकर 5 बजे तक, मतलब जितने भी जीएमसी हैं, तो आमतौर पर जो जितने भी हैं, चाहे वो जम्मू है, रजौरी है, कठुआ है, डोडा, श्रीनगर है, बारामूला है, अनंतनाग है, अब तो मेडिकल कॉलेज ही मेडिकल कॉलेज है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो रहे नहीं है, मेडिकल कॉलेज हो गए। तो जो इसकी अगर आप से मरीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखो कि बहुत से ऐसे हमारे बेशक जितने मर्जी मेडिकल कॉलेज खोल लें, डोडा में खोलें, रजौरी में खोलें, अभी चाहे कठुआ में खोलें, चाहे उधमपुर में खोलें, अभी भी जो पेशेंट है वो मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही आते हैं। बिल्कुल, अब जैसे कोई डोडा का या किसी भी दूर दराज एरिया का जो पेशेंट आता है, अगर समझ लो कि 2 बजे तक ही हॉस्पिटल की टाइमिंग हो, तो वो इतने दूर से पेशेंट आते हैं कि कई लोग तो बेचारे सुबह ही चल पड़ते हैं। ठीक है, तो उस देखिए अगर टाइमिंग उसकी, डॉक्टर जैसे पहले 6.5 घंटे बैठते थे, अब उनकी टाइमिंग होगी 8 घंटे, 8 घंटे बैठेंगे वो, 1.5 घंटा बढ़ी है, तो उसका बेनिफिट तो जो मरीजों के लिए ही है। लेकिन आप देखो कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा तो बड़ा अच्छा है। अभी मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस ऑर्डर का डॉक्टर विरोध भी करेंगे, जो मेरा अपना मतलब कर सकते हैं, मुझे लगा करेंगे। वो क्यों विरोध इसलिए करेंगे कि आप देखो कि ये अगर एम्स की टाइमिंग 9 से 6 बजे तक है, तो उसका एक पैटर्न है कि एम्स में जो फैकल्टी है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकती। अच्छा, जितने वहाँ पे अपॉइंटेड जितने भी है, वो कोई भी डॉक्टर जो फैकल्टी है वहाँ की, वो नहीं कर सकती, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और उस लेकिन उसके एवज में गवर्नमेंट उन्हें एक अच्छा खासा सैलरी देती है। जो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी सैलरी कम से कम 2 लाख रुपया है। जो मेडिकल कॉलेज जम्मू का असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, इसकी 1,10,000-20,000 से ऊपर सैलरी अच्छा। नहीं है, यानी कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने के लिए वहाँ पर कंपनसेट कर देते हैं, वो एनपीए देते हैं। अच्छा, जैसे जम्मू कश्मीर में भी एनपीए का प्रोविजन है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, नॉन प्रैक्टिस। मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसे ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अच्छा है। इसकी शुरुआत अगर आप 9 से लेकर, उसके साथ अगर फैकल्टी कीजिए, मुझे लगता है जो फैकल्टी अगर मुझे सुन रही होगी मेडिकल कॉलेज, वो मुझसे सहमत होगी कि आप उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बैन कर दो, सब और उन्हें सबकी बैन कर दो, और उन्हें जो ग्रेड है वो उसके ग्रेड आप एम्स वाले दे दो, उसका जो बेनिफिट होगा ना तो डॉक्टरों में रोष होगा और उसका जो बेनिफिट होगा वो दोनों पक्षों को होगा। अभी आप देखो दौड़ लगेगी, एक 9 से जब 5 बजे तक डॉक्टर कंपलसरी हो जाएगा वहाँ बैठना, आज तो बायोमेट्रिक है, बैठना तो पड़ेगा ही, फिर वो वहाँ से क्लिनिक के लिए दौड़ेंगे, ना तो वहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे मरीजों को साथ हिसाब कर पाएंगे, जहाँ ना मेडिकल। आप देखो जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है उसके अंदर तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो छोड़ेगा नहीं, वो चाहे गवर्नमेंट की कईयों ने प्राइवेट प्रैक्टिस के चक्कर में तो जॉब छोड़ दी। बिल्कुल, वो जॉब छोड़ सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल अगर इसे बोलूँ कि इसके दोनों पहलू हैं,
डॉक्टर्स इसका कभी वो नहीं करेंगे, इसका फेवर नहीं, तो बेहतर यही है ना कि जिस तरह से आप कहें कि अलाउंस बढ़ा दें और प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दें सबकी, और वो लोगों की जो नाराजगी है डॉक्टरों से वो भी खत्म हो जाएगी कि जनाब ये वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसलिए अच्छा नहीं देखते हैं कि इन्हें अपने क्लिनिक की या यहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी ज़्यादा इनको फिक्र होती है कि वहाँ पर हम कितनी फीस चार्जेस करते हैं और कितना हम दिन में वो कर लें। हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, डॉक्टर चावला थे, PGI के मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसने अपनी सिफारिश भी की थी कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन कर दो, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट जानती है कि क्या उसके कारण थे। अभी जो इन्होंने ही डॉक्टर साहब ने जो अब नए सेक्रेटरी आए हुए हैं, इन्होंने एक द्वारा बनाई हुई है कमेटी बनाई है कि उसमें इसने कहा कि उसके इसमें एक साल का टाइम दिया हुआ है कि जो चावला कमेटी थी उसकी रिपोर्ट को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आप रोड मैप तैयार करो। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप उठाया जो इन्होंने टाइमिंग वाला, ये मुझे लगता है उसी दिशा में है कि मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हर महीने आप कोई ना कोई आप अपनी सिफारिश दो एक साल में कि उसको हम रोड मैप तैयार करो कि हम क्या कहते कहते इम्प्लीमेंट करें, हो सकता है ये उसी का एक स्टेप हो। लेकिन आप प्रैक्टिस रोक सकते हैं, चलिए आपने अलाउंस भी दे दिया तो डॉक्टर तो कहेंगे भाई साहब ये जो मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है ये तो मैं जो मेरी एक गवर्नमेंट जॉब है उसके बाद मैं कर रहा हूँ ना। लेकिन अगर एक डॉक्टर को सैलरी इतनी अच्छी मिल जाती है तो उसे क्या जरूरत पड़ी हुई है दिन रात मेहनत करने की? लक्ष्मी किसे पसंद नहीं, लक्ष्मी तो पसंद है, आप वही पूछी है कि आप वही तो है ना, अगर 3 लाख रुपया उसे गवर्नमेंट सैलरी दे रही है डायरेक्ट दे रही है तो वो जरूर है कि 50-50 500 रुपया इकट्ठा करेगा, वो बैठेगा आराम से बैठेगा कि चलो जी हॉस्पिटल में। अब एम्स भी तो डॉक्टरों ने ज्वाइन किया है और जिसने भी ज्वाइन किया सबको पता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन है, तो उसमें फिर वही मेडिकल कॉलेज में वही डॉक्टर आएगा जिसे पहले का होगा कि भाई मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करनी नहीं है, जुम्मन बना ले। अब उसका बेनिफिट होगा प्राइवेट प्रैक्टिस बैन करने का, चाहे हो सकता है जो मुझे कोई क्रिटिसाइज भी करें इस चीज के लिए जो फेवर जो करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस बैन करने का, प्राइवेट प्रैक्टिस बैन करने का एक और बेनिफिट क्या होता है कि आप रिसर्च जो डॉक्टर होंगे, क्योंकि ये तो अच्छे मेडिकल संस्थान है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है मेडिकल, मेडिकल कॉलेज में रिसर्च वर्क होगा जो डॉक्टरों का, अच्छा, वो भी उसे भी प्रमोशन मिलेगी, टाइम मिलेगा डॉक्टरों को भी। अभी आप देखो कितना ही रिसर्च वर्क होता है, जितने बेशक मैं कहता हूँ कि डॉक्टर लिखेंगे जितना मर्जी क्लेम कर लें हमने इतने रिसर्च पेपर लिखे हैं हमारे इंटरनेशनल जो पब्लिकेशन में छपे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कितनी रिसर्च हो रही है हमें पता है, मुझे 22 साल हो गए, फायदा कितना होगा मेडिकल कॉलेज, मुझे भी 22 साल हो गए, मैं 23 साल हो गए मेडिकल कॉलेज में जाते हुए, कितनी रिसर्च होती है चाहे मुझे जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर ले कोई डॉक्टर, लेकिन मुझे भी पता है कि कितनी रिसर्च होती है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, नहीं करें जितना मर्जी करना है, मैं तो कहता हूँ कि करें, मैं भी अंदर की रग रग जानता हूँ मेडिकल कॉलेज, तभी तो आपके से हम चर्चा करते हैं अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि ये जो ऑर्डर इन्होंने जल्दबाजी में किया टाइमिंग वाला, डॉक्टरों को विश्वास में लेकर डॉक्टरों को इन्होंने बिठाना, मुझे अभी तक जो फीडबैक मिल रही है इसका ऑलमोस्ट जो फैकल्टी मेंबर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए था कि हमारी टाइमिंग आप पहले तो हमारी 9 से 3 तक थी, वो खासतौर पर जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी जो बच्चों को भी संभालती हैं घरों में जाकर, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं फिर भी अभी भी कहता हूँ कि जो वो खुद भी डॉक्टर हैं जो फैक्ट्री साहब हैं वो खुद भी डॉक्टर हैं उनकी, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी फैमिली भी डॉक्टरों से भरी हुई है, तो इसलिए मैं कहता हूँ उन्हें वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने वो फैमिली जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके जो रिश्तेदारों से सलाह मशवरा लिया हो। देखो हर मेडिकल कॉलेज में अभी मेडिकल कॉलेज जम्मू की क्या प्रॉब्लम है कि पहले मेडिकल कॉलेज में एक आरोप तो ये लगता था कि डॉक्टर जो है जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, हालांकि मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन फिर भी अगर मरीज और अटेंडेंट ये आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों पर गंभीरता से उसको संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन कि डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं और यहाँ पर वो इलाज जो है वो सेट एक्स तो अगर जो इन्होंने स्टेप उठाया है तो कर देना प्राइवेट प्रैक्टिस, किसने विरोध किया आज तक? मुझे लगता नहीं किसी डॉक्टर ने विरोध किया कि प्राइवेट प्रैक्टिस, डॉक्टर तो मैं मेरे भी कई डॉक्टर से बात होती है, डॉक्टर ने हम बिल्कुल करते हैं वो कहते हैं कर दो प्राइवेट, मैं तो कहता हूं ये तो गवर्नमेंट की कमजोरी है कि वो नहीं कर रही, इनके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप आज डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बैन कर दे, बजट बजट तो चलो कर लेंगे कहीं ना कहीं मेंटेन, शाम को कहां से चलाएंगे? अभी जो आप चाहे गवर्नमेंट ने हमारे LG साहब ने जितना मर्जी क्लेम कर लिया कि इतने 1000 करोड़ के हमें प्रोजेक्ट आ गए, आप मुझे बताओ कौन सा बड़ा हॉस्पिटल है जो जम्मू में जिसने अभी निवेश किया है, किसने इन्वेस्ट किया, कौन सा आपने हॉस्पिटल देख लिया जो प्राइवेट अमेरिकन ऑन्कोलॉजी खुला है
बत्रा वैले का खुला हुआ है, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी क्या है बत्रा में, तो ये है कि हालत ये है कि वहाँ पर जितने भी पिछले दो तीन सालों में चार सालों में हॉस्पिटल खोले हैं मैक्सिमम कैंसर रिलेटेड खोले हैं। अब देख लो जितने भी, चाहे गुजरात का जो शंकु ग्रुप है उसने खोला है, चाहे अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इसने खोला है, नारायणा खुला हुआ वो पहले का खुला हुआ है, नारायणा तो पहले का खुला हुआ है श्राइन बोर्ड का, तो नया कौन सा हॉस्पिटल आया? अपोलो वालों ने एमओयू साइन किया था तो कहाँ है उनकी बिल्डिंग? अभी तक तो काम नहीं शुरू हुआ, मेरे तो सुनने में आया कि वो अभी बना ही नहीं रहे हैं। मेदांता के साथ एम्स में अभी तक नहीं काम हुआ है, एम्स देख लो आप, एम्स देख लीजिए, आज आपको पौने दो महीने हो गए आपको इनॉग्रेट किए हुए, और वो भी किसी आम आदमी ने इनॉग्रेट नहीं किया, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, आप उसकी अभी तक ओपीडी नहीं स्टार्ट कर पाए हो। तो आप पहले, मुझे लगता है इन चीजों की तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए था ये सारा, लेकिन फिर भी मिला ये ऑर्डर आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं, हम लोग इसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि जी है कि ये तो पेशेंट्स के लिए अच्छा है, पेशेंट के लिए अच्छा है, लेकिन आप भी साहब को चाहिए कि हाँ डॉक्टर के लिए भी अच्छा हो सकता है, डॉक्टर मान सकते हैं। और दूसरी चीज जी है कि अगर वो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की बहुत ज्यादा कमी है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज जैसे 50 साल हो गए जम्मू को बने हुए, 40% फैकल्टी की पोस्टें खाली हैं अभी भी। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है आपका, आज दिन तक एक आपके पास परमानेंट फैकल्टी मेंबर नहीं है, चेस्ट डिजीज वाले देख लीजिए, ये तो फेलियर है सारे सेक्टर्स का। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि पहले उन चीजों की तरफ ध्यान दे, यहाँ पर कमियां हैं। आप मुझे चीज बताओ, ये तो वही आ गया ना कि एप्रन डाल लीजिए, नेम प्लेट लगा वहां पे होनी चाहिए, भले ही आप कुछ करें ना करें। स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हां डुल्लू साहब, वो तो हेल्थ को बेहतरीन, कितनी साल हेल्थ में रहे। हाँ, एलजी के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं भंडारी साहब, वो इसके हेल्थ के सेक्रेटरी रहे, ठीक है। आपके अभी जो ये तो डॉक्टर भी हैं, ठीक है, पहले वाले जितने भी सेक्रेटरी रहे पर आज सारी अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं और सारे हेल्थ को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो नहीं जहाँ पर आज दिन तक, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन जिन्होंने हेल्थ में काम किया है इनकी एक अलग से टीम बनाई जाए और इसको इनकी टीम क्या बनानी, सारे ऐसी पोस्टों पर बैठे हैं कि एक इशारा करें तो सब कुछ हो जाता है। इनसे ज्यादा पावरफुल कौन है आज स्टेट में? मैं कह रहा हूँ ठीक है ना, अगर एक सेक्रेटरी को कुछ ज्यादा नॉलेज है, दूसरे को ज्यादा है, उससे ज्यादा, तीसरे को उस डिपार्टमेंट में ज्यादा, तो इन्हीं की मैं कह रहा हूँ कमेटी बना के, आपको लगता है कि ये बेहतरी के लिए कुछ? बेशक एम्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, सारा सेंटर के अंडर आता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एलजी प्रशासन को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि आपके जम्मू में ही एम्स खुला है तो आप क्यों नहीं आज दिन पौने दो महीनों में ओपीडी क्यों स्टार्ट करनी? इतना बड़ा आप 1600 कुछ करोड़ भी आपने खर्च किया, इनकी उपलब्धि ओपीडी थी ना? नहीं, 1600 कुछ करोड़ भी आपने खर्च किया, हिंदुस्तान की सबसे महंगी ओपीडी है, ओपीडी बनाने के लिए आपने शुरू किया है ओपीडी। तो आप चलिए, तो कुल मिलाकर ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर को लेकिन मैं अगर इम्प्लीमेंट करना है तो पूरी तरह से कीजिए ताकि प्राइवेट प्रैक्टिस पर ही बैन हो, प्राइवेट प्रैक्टिस पर ही बैन कर देना चाहिए, उसे मरीजों को भी फायदा और डॉक्टर्स को भी फायदा, किसी की कोई वो नहीं, पेशेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।